क्लास फिफ्थ बच्चों पार्ट नंबर 13 के और कुछ प्रश्न आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहले भी मैंने आपको ये प्रश्न लिखकर भेजे थे। अब है अनुमान लगाओ। अनुमान का मतलब अंदाज़ा लगाओ। पाठ के आधार यानी पाठ क्या होता है लेसन, सबक के आधार पर बताओ। प्रश्न एक पहला, अपने घर के नल के पाइप में मोटर लगवाना दूसरों का हक छीनने के बराबर है, लेखक ऐसा क्यों मानते हैं? यानी अपने घर के नल, नल यानी नल के पाइप में मोटर लगवाना दूसरों का हक छीनने के बराबर है, लेखक जो जिसने ये लिखा है, ये कहानी लिखी है, तो वो क्यों ऐसा मानते हैं? उत्तर, लेखक ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि जो लोग नल के पाइप में मोटर लगवा लेते हैं उनके घरों में पानी आता है, बल्कि दूसरों के घरों में पानी कम आता है। अब है प्रश्न नंबर दो, बड़ी संख्या का मतलब होता है बड़ी तादाद में इमारतें बनने से बाढ़ और अकाल का मतलब सूखा का खतरा कैसे पैदा होता है? उत्तर, बड़ी संख्या में यानी बड़ी तादाद में इमारतें बनाने के लिए मनुष्य यानी इंसान ने पेड़ों की कटाई की है, जिसके कारण यानी जिसकी वजह से जल चक्र यानी एनवायरनमेंट में परिवर्तन आ गया है, साथ ही वातावरण यानी आबो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा भी बढ़ गई, जिसके कारण हमारी धरती गई है, पहाड़ों की बर्फ पिघलने लगी है, जिसकी वजह से कई जगह बाढ़ आ जाती है, तो कई जगह होती ही नहीं और अकाल का खतरा बढ़ जाता है। प्रश्न नंबर 3, धरती की गुल्लक यानी जमीन की गुल्लक, गुल्लक क्या होता है जैसे बुगनी, किन किन साधनों से भरती है? यानी धरती की गुल्लक जो है वो किन किन साधनों से भरती है? उत्तर, धरती की गुल्लक भरने का सबसे बड़ा साधन वर्षा है यानी बारिश है, इसके अलावा नदी, तालाबों, झीलों, झरनों तथा समुद्र से भरती है।